मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेला रह गया हूँ, तो अच्छा है ना यार, अच्छा है अकेले रह गए। जिस दिन जीवन में कुछ हासिल कर लेंगे उस दिन खड़े होकर बोलेंगे कि साला कोई साथ नहीं था, फिर भी अपन अकेले यहाँ तक आए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, दिल टूटेंगे, दिल जुड़ेंगे, दुनिया कुछ कहेगी, दुनिया शांत रहेगी, भाड़ में जाए दुनिया, अपने सपनों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको एवरी डे बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि 14 आवर की पढ़ाई करें। वी वेक अप इन द मॉर्निंग अराउंड, मान लेते हैं चलो 8 बजे आराम से उठो आप, 8 AM आप उठते हो मान लेते हैं, एंड यू स्लीप इन द नाइट अराउंड 1 AM, तो 7 घंटे की नींद भी है आपके पास, 7 घंटे की नींद दी है पूरी। अभी भी आपका 7 घंटे 24 में हटा देते हैं तो कितना बचा है आपके पास? 17 आवर्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, 17 आवर्स आर स्टिल, अभी आपके पास 17 घंटे हैं। इस 17 घंटे में से मान लेते हैं एक घंटा आपने और वेस्ट कर दिया, तो अभी भी आपके पास बेटा 16 आवर अभी भी रिमेनिंग है, 16 घंटे आपके पास बचे, एक घंटा और हटा दिया, नहाना धोना जो भी वेस्ट हो सकता है, 16 घंटे बचे। 16 घंटे को बेटा 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। आप सुबह 8 बजे उठे हो तो 8 से 12 हो गया पहला आपका, 8 से 12 के बाद अगला आप तोड़ लो, 12 से 4 हो गया, अगला आपका 4 से 8 हो गया, अगला आपका फिर से 8 से 12 हो गया, 4 पार्ट में तोड़ लिया आपने। अब हर पार्ट में आपके पास 4 घंटे हैं, 8 से 12 में आपने 4 घंटे पढ़ाई की। इसके बाद मान लेते हैं अपन यहाँ पे 3 घंटे पढ़ पाते हैं, 4 3 7, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि फिर अपन 3 घंटे ही पढ़ पाए, 7 3 10, और फिर यहाँ 4 घंटे। अब आप कहोगे सर ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, मैं क्या पता 3 3 ही पढ़ पाऊँ, तो मान लो यहाँ पे तुम 3 ही पढ़े बेटा, यहाँ पे भी आप 3 ही घंटा पढ़ पाए, एक एक घंटा हर 4 घंटे में एक घंटा जा रहा है, खाने में पीने में बात करने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एवरी 4 आवर्स में से आपके 3 3 आवर्स मान लो ही पकड़ते हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 12 आवर की आप इफेक्टिव स्टडी अभी भी कर सकते हो। और इसमें ना आपको हर पहर को ब्रेक डाउन करना होगा, एवरी पहर इज सक्सेसफुल। 60 दिन में 4 पहर है आपके पास, 240 आपके पास इवेंट्स हैं, इन 240 इवेंट्स को अगर आप सक्सेसफुल बनाओगे तो हो सकता है, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग फ्रॉम हियर। अब जब कल सुबह आप उठोगे तो आप 8 बजे या 10 बजे जब उठे तो आपने कहा कि दिन नहीं शुरू हुआ, इवेंट वन शुरू हुआ आज का, इवेंट वन। इवेंट वन में आपने पढ़ाई की कि नहीं, अब आपको इवेंट को ध्यान में रखना है, हर दिन को छोटे छोटे पहर में तोड़ना है, हर एक पहर बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट, वरना क्या होगा एक दिन निकल जाएगा, आप कहोगे कोई बात नहीं है 59 डेज में पढ़ना है, नहीं, जब एक इवेंट निकल जाएगा ना, अब आप कहोगे 239 इवेंट्स में पढ़ना है, अब मुझे सिर्फ 200 इवेंट के अंदर पढ़ना है, छोटे छोटे। और अगर आप 12 घंटे बेटा असल में पढ़ लिए एक दिन और मानते हैं कि इसमें आपने कोई समझौता नहीं किया, अपने सपनों से, अपनी मंजिल से, अपने मेहनत से कभी समझौता नहीं, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी नहीं, लोग आएंगे लोग जाएंगे, दिल टूटेंगे दिल जुड़ेंगे, दुनिया कुछ कहेगी दुनिया शांत रहेगी, भाड़ में जाए दुनिया, अपने सपनों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर बेटा इस तरह से आपने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली यहां से, तो मैं आपको बता रहा हूं 12 hours into 67 20 आवर्स की पढ़ाई, बेटा इतना ही तो कंटेंट होता है, इससे ज्यादा थोड़ी पढ़ाई है, हो गया पूरा सिलेबस कवर हो सकता है इसमें, और आपके पास तो फिर भी कुछ पढ़ा हुआ है भाई, 720 इफेक्टिव घंटे हैं आपके पास, इफेक्टिव मतलब जिसमें प्रभाव डाल सकते हैं, इफेक्टिव आवर्स, इसमें कोई समझौता नहीं करना। अभी कई लोग सोच रहे होंगे ये नहीं हो पाएगा, अरे बनाओ तो डायरी, कोशिश तो कर भाई, जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं, वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। इंसान ना इज्जत अपनी सेट करता है, अच्छा ये इतना सफल है इसको इतनी इज्जत देनी है, इसका इतना इसको टाइम ही नहीं देना यार, इसका कुछ स्टेटस नहीं है। देयर इज नो वन हु इज गोइंग टू सपोर्ट यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेला रह गया हूं, तो अच्छा है ना यार, अच्छा है अकेले रह गए। जिस दिन जीवन में कुछ हासिल कर लेंगे उस दिन खड़े होकर बोलेंगे कि साला कोई साथ नहीं था, फिर भी अपन अकेले यहां तक आए। याद करेंगे इन संघर्ष के दिनों को, और ये दिन सबसे खूबसूरत होते हैं जब आप याद करोगे जिस दिन कुछ बन जाओगे। अरे जंग तो लड़ेंगे ना यार, सीखेंगे तो, मेहनत करना सीखेंगे, स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे, लक्ष्य की तरफ जाना सीखेंगे। एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जिसके नीट में 250 नंबर आएंगे, और एक बच्चे का नीट में सिलेक्शन नहीं होगा जिसके 620 नंबर आएंगे। क्या बनना है इन दोनों में से? मैं तो कहूंगा इन दोनों में से कुछ ना बनो, 670 बनो, पर क्या बनना है? ये बनना है ना यार, नहीं भी हुआ सिलेक्शन तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, संघर्ष करना सीखेंगे, लड़ना सीखेंगे, जज्बा तो आएगा अंदर। सर मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? फिर जाके अपने माता पिता को कन्विंस करो, फिर निकलो यहाँ से बाहर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेक्शन के लिए आए हो, और मैं सारी बातें उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसी के अनुसार सारी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ।